होंगी तो उनको उनका समाधान किया जाएगा। और जब और यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो आपके आंध्र प्रदेश की जो केंद्र से जुड़े का दर्जा दिया जाए उनका आप लोगों को लाना चाहती हूँ। यदि हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को तरह से विशेष स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ यदि हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरह तो आप लोगों को टहलाएगी नहीं, आप लोगों को आज करेंगे कल करेंगे ऐसे नहीं टहलाएगी, आश्वासन नहीं देगी, बल्कि आंध्र प्रदेश को सचल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आपके स्टेट आपके आंध्र प्रदेश स्टेट अब हम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के यानी कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं दलित आदिवासी अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वीकर सेक्शन के लोग हैं तो इनका हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी स्थितियाँ हमारे महान संतों गुरुओं वे महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले श्री छत्रपति साहू जी महाराज श्री नारायणा गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहना जरूर साकार हो सकता है। इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ पे बने गठबंधन के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि इस चुनाव में बीएसपी जनसेना पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बने गठबंधन ने आपके आंध्र प्रदेश में जिन लोगों को भी अपना लोकसभा व विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है तो उन्हें अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से जरूर आप लोगों को जिताना है कामयाब बनाना है। तभी फिर हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए यानी कि यहाँ आप लोग अच्छा रिजल्ट आएंगे आंध्र प्रदेश की अपनी सरकार बनाएंगे यहाँ से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जिताकर भेजेंगे तो तभी फिर हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने में आपकी भी मदद करती है। और तभी फिर इस बने गठबंधन द्वारा यानी कि आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे अपने जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाने का आप लोग प्रयास करेंगे और ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तभी फिर इस बने गठबंधन द्वारा ये जो हमारा अलायंस हुआ है बीएसपी जनसेना और कम्युनिस्ट पार्टी का जो अलायंस हुआ है तो तभी फिर इस अलायंस द्वारा यहाँ श्री पवन कल्याण जी को भी आंध्र प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो फिर ये बीएसपी के मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये फिर और जब यहाँ पर हमारी सरकार बन जाती है और श्री पवन कल्याण जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि फिर ये यहाँ पर कैसी सरकार चलाएंगे। अभी तक जो यहाँ सरकारें रही हैं तो उनकी नीतियों के हिसाब से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की सरकार रही है उसके पैटर्न पर चलकर ही यहाँ अपनी सरकार चला ऐसी मुझे इनसे पूरी पूरी उम्मीद है। और अभी से आप लोगों को अब ये कैसे इसको अब यहाँ गवर्नमेंट बनाना है तो केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा नारे लगाने से काम नहीं चलेगा तो आप लोगों को जितने लोग इधर आए हैं अभी कई दिन आप लोगों के बीच में अभी वोट पड़ने के लिए हैं तो आप लोगों को अपने विलेज विलेज में टाउन में जाकर लोगों को मोटिवेट करना है कि इस अलायंस को ज्यादा से ज्यादा लोग वोटें और एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाने का पूरा पूरा प्रयास करें। और अब इसके लिए अब आप लोगों को जब अपनी सरकार बनानी है तो आप लोगों को खुद भी अपना बनाना है और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आप लोगों को मोटिवेट करना है। और अभी के लिए आप लोगों को प्रातः यानी कि जिस दिन वोट
करने वाले दिन जिस दिन वोटिंग होगा, तो वोटिंग वाले दिन बीएसपी के लोकसभा व विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को भारतीय चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और जनसेना पार्टी के लोकसभा व विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को गिलास चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर चुनकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ, लेकिन मैं फिर से आप लोगों से यह अपील करती हूँ कि ये जो कोलिशन बना है, ये जो अलायंस बना है, आप लोग इसको कामयाब बनाए। आप लोग यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं, आप लोग चेंज चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ का यहाँ पर अच्छी गवर्नमेंट बने, लोकप्रिय गवर्नमेंट बने और आपके आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, जनता के बीच में जाने वाला होना चाहिए, युवा होना चाहिए। आपकी दुख तकलीफों को जो आपके दुख तकलीफें हैं उनको सुनने वाला होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ उन सब मामले में हमारे बीच में तो आपके जो बहुत ही लोकप्रिय आपके जो और खास तौर से युवाओं में जो लोकप्रिय है काफी, तो श्री पवन कल्याण जी आपके बीच में इधर मौजूद हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप जरूर आंध्र प्रदेश में अलायंस की सरकार बना के तो इनको सरकार बनाने का मौका जरूर देंगे। ऐसे मैं आप लोगों से अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।